सब गाइज कैसे हो सारे, आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होगे। तो गाइज आज हम लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन में डार्क ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग सीखने वाले। एंड गाइज जस्ट आज हम लोग बहुत ही कम टाइम में ये फोटो एडिटिंग सीखने वाले। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बनने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। एंड गाइज चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक ने मेरा इंस्टाग्राम को भी नहीं फॉलो किया तो जाओ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हम लोग फोटो ओपन कर लेंगे गैलरी के अंदर, एंड यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे टैप करके यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे विंटेज पे कर देना है क्लिक, ठीक है। विंटेज पे क्लिक करने के बाद गाइज देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे विग्नेट है आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो विग्नेट को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ब्राइटनेस को प्लस कर लेना, मतलब कि फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एंड आप लोग को यहाँ पे स्वाइप करना है, ठीक है। एंड स्वाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पे सैचुरेशन मिल जाएगा, सैचुरेशन का आप लोग को -100 कर लेना है, ठीक है। -100 करने के बाद गाइज आप लोग को फिर से स्वाइप करना है। एंड स्वाइप करने के बाद आप लोग स्टाइल स्ट्रेंज पे आप लोग को इसको भी आप लोग को वहाँ पे माइनस कर लेना है, ठीक है। -0 कर लेना है, ठीक है। 0 करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे विग्नेट स्ट्रेंज मिल जाएगा। विग्नेट स्ट्रेंज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे घटा लेना है जो लगातार +32, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को कर लेना है डन। डन करने के बाद आप लोग यहाँ पे ए वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे व्यू एडिट्स पे कर देना है क्लिक। व्यू एडिट्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग विंटेज पे कर देना है क्लिक, ठीक है। विंटेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्रश वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ए वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक टोन डाल देना है, ठीक है। ए वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे माइनस मतलब कि विंटेज को आप लोग 0 रखेंगे तो आप लोग यहाँ पे मतलब कि इरेज हो जाएगा, ठीक है, जहाँ कहीं भी इरेज करना चाहते हो। एंड आप लोग यहाँ पे प्लस करना है 100 तो आप लोग यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे 0 करके फेस एंड पूरा बॉडी से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पे रिमूव करने के बाद आप लोग को सिंपली राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को डन कर लेना है, ठीक है। डन करने के बाद गाइस देख सकते हैं इसका जो ब्लैक टोन आ गया, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैक कर लेना है। ए वाला आइकन पे क्लिक करके बैक कर लेने के बाद गाइस आप लोग को फिर से पेंसिल वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। एंड फोटो के अंदर थोड़ा सा डिटेल्स डाल देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स पे कर देना है क्लिक। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसको आप लोग यहाँ पे 100 कर लेना है। एंड इसको भी आप लोग यहाँ पे 100 कर लेना है, ठीक है। 100 करने के बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एंड 100 करने के बाद आप लोग को राइट वाला आइकन पे क्लिक करके फिर से डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोग वही स्टेप यूज करना है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है एंड व्यू एडिट्स पे जाना है। एंड व्यू एडिट्स पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे फिर से आप लोग यहाँ पे वाला आइकन पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग यहाँ पे रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके डन कर लेना है, ठीक है। डन करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे बैक कर लेना है। एंड गाइस बैक करने के बाद आप लोग को फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे सिलेक्टिव वाला आइकन पे क्लिक करके फेस पे थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना है, जो यहाँ पे आप लोग फेस पे छोड़ देना है जहाँ का भी आप लोग यहाँ पे व्हाइट करना चाहते हो, ठीक है। व्हाइट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद इसका आप लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड आप लोग को यहाँ पे भी छोड़ देना है, जहाँ जहाँ भी आप लोग व्हाइट करना चाहते हैं आप लोग ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। सो गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेने के बाद आप लोग फेस पे जहाँ पे भी ब्लैक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे बढ़ा लेने के बाद आप लोग राइट वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो को डन कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस देख सकते हैं इसका जो व्हाइट आ गया फेस के ऊपर कितना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे कर देना है क्लिक। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग फिर से ऐड फोटो में आप लोग कर देना है क्लिक। PNG ऐड कर लेना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे लाइट वाला पिन जो कि ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद आप लोग को फिर से ए वाला आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पे एडजस्ट हुआ ए, ठीक है। ऐड पे एडजस्ट करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। तो मैं इतना कम कर लूँगा। एंड आप लोग यहाँ पे फिर से राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज डन करने के बाद आप लोग को फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। एंड फिर से आप लोग को वही पीएनजी एक ऐड कर लेना है। तो मैं चले जाता हूँ, ऐड कर लेता हूँ।